खाना पीना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाल गंजी उबालना सिखाऊंगी, जो आप लोग बर्थ में तिहाई में खाते हैं। इसको कुछ लोग लाल गंजी भी बोलते हैं, कुछ लोग रेड पोटैटो भी बोलते हैं। आप देखिए इनको, मैं ये दो गंजी ली हूँ और सबसे पहले मैं इसको वॉश करूँगी। और ये देखिए, मैं ये स्टीमर है, पानी गर्म हो गया है और मैं इसमें ऐसे इसको डाल दूँगी। बहुत से लोग इसको डायरेक्ट बॉईल करके खाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बॉईल करके खाना मुझको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है तो फिर इसकी स्वाद उतनी अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग इसको स्टीम करके खाते हैं। देखिए मेरी गैस ऑन हो गई है और मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे रख दूँगी। अब आँच को मैं मीडियम रखूँगी, ना जोर ना तेज। 15 मिनट हो गया है, अब हम इसको चेक करेंगे। आप खोलने से पहले ऐसे सावधान होकर खोलिए, क्योंकि ये काफ़ी हॉट होता है, आपका हाथ जल जाने का डर है। और इसको आपको चेक करने के लिए आप चाकू से देख लीजिए कि गल गया है कि नहीं। ये देखिए गल गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये उबल चुका है, अब आप इसको ठंडा जब हो जाए तो आप इसको ऐसे छील लीजिए। ये काफ़ी गर्म है, मैं ऐसे छील के आपको दिखाई हूँ। ये पूरा ऐसे छील लीजिए। छीलने के बाद आप इसको स्मॉल पीसेस में काट लीजिए और दूध में गर्म करके दूध में इसको डाल दीजिए और चीनी डाल दीजिए। इसको खाने से आपको 4 से 5 घंटा भूख नहीं लगेगा। जब आप उपवास में रहते हैं या 9 दिन नवरात्रि में, तो ये भूख कम करने के लिए सबसे अच्छा ये पोटैटो, आप इसको खा लीजिए, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगा और ये काफ़ी हेल्थी है। और ये सब चीज़ आप खाइए, आपका डबल तिबल हेल्थ में बेनिफिट होगा। एक तो आप बहुत अच्छे, आपका हेल्थ भी हो जाएगा और प्लस आपकी हार्मोन भी बहुत बहुत अच्छी हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें और कमेंट पास करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लाल बटन दबाएं।